नमस्कार, आप देख रहे हैं DNX TV। मैं हूं निशा। जहां गांवों की तस्वीर बदलने के लिए चमचमाती पक्की सड़कों का होना जरूरी है, तब भी क्षेत्र का विकास संभव है। मगर चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी मुख्य सड़कों की हालत जर्जर है। हम बता दें कि चंद्रपुर से डभरा एवं डभरा से भदनी चौक भगुरम खरसिया सड़क मार्ग की हालत इतनी जर्जर है, सड़क पर पैदल चलना मुश्किल है। जबकि सरकार गांवों एवं शहरों में चमचमाती पक्की सड़क बनाने के वादे करती है, परंतु यहां सब उल्टा साबित हो रहा है। चमचमाती सड़क का सपना कोसों दूर है। डभरा से खरसिया सड़क मार्ग की हालत दयनीय हो चुकी है। डभरा से खरसिया की दूरी 24 किलोमीटर है, मगर सफ़र तय करने में 3 घंटे लग जाते हैं। यही हाल डभरा से चंद्रपुर का है, जहां सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। सड़क से डामरीकरण उखड़ गया है। इस गर्मी की महीनों में भी सड़क नहीं बनाया गया। सड़क मार्ग के ग्राम गोबरा सुगदा देवरखट्टा शेरो भद्री चौक के पास बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। वहीं बेमौसम बारिश से गड्ढे डबरी व पोखरी जैसा दिख रहा है। सड़कों में लबालब पानी भरा हुआ है, सड़क ही नहीं दिख रहा है। दो पहिया मोटरसाइकिल वाहन से सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। राहगीर साइकिल वाले रोज गिर रहे हैं। भारी वाहनों की आवाजाही हो रही है। सड़कें खराब होने से हर रोज दुर्घटना हो रही है। इसके बाद भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़कों की हालत बद से बदतर दिनों दिन होती जा रही है। बेमौसम बारिश से सड़क मार्ग कीचड़ से सराबोर है। आम नागरिकों को सड़क पर चलना मुश्किल होता है। इसके बाद भी बरसों से सड़क की हालत जर्जर है। सड़क के जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिस कारण गड्ढों में पानी भर जाता है और कीचड़ से सराबोर है, जो जानलेवा साबित हो रहा है। यह सड़क मार्ग इतना जर्जर हो चुका है कि सड़क के कई जगहों पर 4 से 5 फुट तक गड्ढे बन चुके हैं। वहीं राहगीरों का मोटरसाइकिल से चलना मुश्किल हो गया है। सड़क पर लोग जान जोखिम में डालकर पैदल चलते हैं। कई बार ग्रामवासी एवं आसपास के गांव के ग्रामीण द्वारा चक्का जाम एवं कई बार आंदोलन कर चुके हैं। इसके बाद भी PWD विभाग के आला अफसरों द्वारा सड़क मरम्मत एवं डामरीकरण करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों द्वारा कई बार डामरीकरण कराने की मांग कर चुके हैं। सड़क मार्ग खराब होने से सीरियस मरीजों व गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुँचाने में घंटों लग जाते हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दो पहिया वाहनों में परिवार वाले छोटे छोटे बच्चों को लेकर आने से भी कभी भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इस सड़क मार्ग पर कई सड़क हादसे हो चुके हैं। इसके बाद भी शासन प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग उदासीन है। ग्रामीणों द्वारा कई बार क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक व मंत्रियों कलेक्टर को कई बार अवगत करा चुके हैं। इसके बाद भी सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई है। बरसों से सड़क की हालत खराब है। दिनों दिन सड़कों की हालत खराब होती ही जा रही है। जांजगीर चांपा से DNX TV के लिए अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। पाली क्यों रोज डभरा आता हूँ जाता हूँ, लाला राम और नाम है लाला राम लहरे तो खसिया ले डभरा आता रोज जाना जाना चलते तो बड़े बड़े गड्ढा है, ओमा बहुत दिक्कत जाते। छोटे छोटे लड़का मन गिर के खसक खसक के मोटरसाइकिल गिर जाते हैं, बहुत दुर्घटना होते। और डभरा लेकर चंद्रपुर तक है पूरा खराब है, और डभरा लेकर खसिया तक है पूरा खराब है। सरकार आज तक कुछ ध्यान नहीं दी। हमार सरकार बनी कुछ रोड में कोई सुविधा नहीं है। हमला जनता ला बहुत दुख मिला थे, परेशान हैं। सबपुर और डभरा से खरसिया मार्ग इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जैसे वो सड़क ना होकर खेत या पोखर है। उसमें आए दिन लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो रही है और एक्सीडेंट हो भी रहे हैं। जब से ये सरकार आई है तब से इनके सड़क के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं है, ना कि ना तो यहाँ कोई जनप्रतिनिधि इसके प्रति ध्यान है। भाजपा शासनकाल में रोड की स्थिति बहुत अच्छी थी, जब से कांग्रेस सरकार आई है रोड के प्रति इनका कोई ध्यान नहीं है। विकास नाम का कोई चीज़ नहीं दिख रहा हमको, और इसके प्रति हम आंदोलन बहुत जल्दी शीघ्र ठीक नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। हमें उम्मीद था कि गर्मी दिन में कम से कम बन जाएगा, लेकिन पूरी गर्मी गुजर गई, लेकिन यह सड़क पर कोई काम नहीं हुआ।
चुड़चेला से मैं मोर नाम जगदीश यादव है सर। डबरा से चंदरपुर तो बहुत ज़्यादा खराब है, प्लस ये खरसिया से डबरा तक और ज़्यादा खराब है। तो का है अभी जैसे हम आना जाना करा थन जे खाई कस बन गए, तालाब जैसे हो जाते ट्रक आते तो जैसे मोटरसाइकिल में सियान है बुजुर्ग हैं ओमन बहुत तकलीफ में है, रास्ता नहीं पाते साइड ले के बने दिक्कत हो जाते आदमी मन एक एक प्रकार के, शासन प्रशासन ध्यान नहीं देते है ना भाई। तो जैसे कि अब मोर भतीजा छा एक्सीडेंट हो इस लक्ष्मण भाटा में, जे रोड बुरी तरह से ख़राब है, जिनमें मैं गरीब आदमी मोर कुछ आवक नहीं है सर, कम से कम 4,70,000 रुपया इलाज में लग गए, रायपुर में भर्ती कर रहे हैं होम मेडिकल में, कोई भी आदमी जाके पता